खारकियों में फंसे भारतीय छात्रों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें भारतीय छात्रों को ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 8 दिनों से भीषण युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकियों पर हमला बोल दिया है और वहां फंसे लोगों में शहर छोड़ने की होड़ मची है। इसी बीच एक तस्वीर खारकियों से सामने आ रही है, इसमें भारतीय छात्र नागरिकों को ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये ट्रेनें लोगों को पड़ोसी राज्यों में ले जा रही हैं। सामने आई तस्वीर खारकियों के एक स्टेशन की है, जहाँ ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग धक्का मुक्की कर किसी तरह ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं। वहीं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा एक शख्स जब चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे रोक दिया जाता है। उसे पीछे धकेल कर ट्रेन के दरवाजे से दूर हटा दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स भारतीय छात्र है, जो खुद की जान बचाने के लिए ट्रेन में चढ़कर सुरक्षित स्थान पहुँचना चाहता है। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जो यूक्रेन से भारत लौटे उन छात्रों के दावों को सही ठहराता है, जिनका कहना है कि वहां के नागरिक भारतीय लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बता दें, खारकियों के हाल बहुत खराब है। शहर में लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। जनता इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। भारतीय दूतावास ने बीते दिन एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि तुरंत खारकियों छोड़ दें। जिन छात्रों को गाड़ियों और बसें नहीं मिल रही हैं और रेलवे स्टेशन पर हैं, वे सभी पैदल ही पेसोचिन, बाबाए और बेजिला दो को पहुंचे। खारकियों से पेसोचिन की दूरी 11 किलोमीटर, बाबाए की दूरी 12 किलोमीटर और बेजली युद्धवका की दूरी 16 किलोमीटर है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।